हेलो एवरीवन, मैं मेघा श्रुति बेकर्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे कॉर्न चीज कटलेट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चीज़ कॉर्न कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 आलू लिए हैं, जिनको मैंने मैश करके फ्रिज में रखा था। 1 कप कॉर्न लिया है, ये नॉर्मल वाला कॉर्न है जो अभी सीजन में है, जिसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, पूरी तरह से नहीं पीसा है। चीज़ लिया है, ये मोजरेला चीज़ है। 1 कटी हुई शिमला मिर्च ली है, 1 कटा हुआ प्याज लिया है, लहसुन ली है 7 से 8 कली कटी हुई, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक बारीक कटा हुआ, और ये आरारोट है 3 बड़ी चम्मच। सबसे पहले मैं यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि जब तक हम अपना मिक्सचर बनाएंगे तब तक तेल गरम हो जाएगा। एक बोल में मैं अपने आलू ले लूँगी, कॉर्न, शिमला मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, आरारोट, 1 चम्मच मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स ना हो तो आप लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार इसको अच्छे से मिला लेंगे। हाँ, मिश्रण तैयार है, अब हम इसके कटलेट बनाएंगे। इसके अंदर चीज रखेंगे, चीज पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालें। मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर शेप दिया है, और इसी तरह से सारे कटलेट को तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे कटलेट बना के तैयार कर लिए हैं, अब इनको डीप फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम इनको फ्राई कर लेंगे। तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हम इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हमारे कटलेट अच्छे से सेक चुके हैं, और इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। कटलेट तैयार है, मैंने यहाँ पे सॉस के साथ सर्व किया है। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।